दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेज जिम्बाब्वे पहले T20 मैच के लिए पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर वसीम खान ने पाकिस्तान की कंफर्म प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। आइए देख लेते हैं पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए कंफर्म प्लेइंग 11 क्या होगी। उससे पहले कमेंट करके बताएं पाकिस्तान वर्सेज जिम्बाब्वे ये सीरीज कौन सी टीम जीतेगी। क्या पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की तरह जिम्बाब्वे को भी T20 और टेस्ट में शिकस्त देगा या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं पाकिस्तान की कंफर्म प्लेइंग 11 के अंदर चेंजेस और कंफर्म प्लेइंग 11 पहले T20 मैच के लिए। उससे पहले आपको पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के शेड्यूल के बारे में बता दें तो 21 अप्रैल को पहला T20 मैच खेला जाएगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 2 बजे। इसके साथ ही दूसरा 13 अप्रैल को 2 बजे। तीसरे और आखिरी T20 मैच की बात करें तो 25 अप्रैल को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 2 बजे खेला जाएगा। प्लेइंग 11 में पहले नंबर पे होंगे मोहम्मद रिजवान एज अ ओपनर, दूसरे नंबर पे होंगे फखर जमान जो आजकल बेहतरीन फॉर्म में है, तीसरे नंबर पे होंगे T20 के कप्तान बाबर आजम। चौथे नंबर की बात करें तो हैदर अली को एज अ हार्ड हिटिंग के तौर पर रखा जाएगा। पाँचवें नंबर पर पाकिस्तान के बेहतरीन ओपनर शर्जील खान होंगे। छठे नंबर की बात करें तो प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ छठे नंबर पे होंगे। सातवें नंबर पे स्पिन बॉलर मोहम्मद नवाज होंगे। आठवें नंबर पे ऑलराउंडर फहीम अशरफ को रखा जाएगा। नौवें नंबर पे फास्ट बॉलर हसन अली होंगे। दसवें नंबर की बात करें तो हारिस रऊफ को रखा जाएगा। आखिरी और ग्यारहवें नंबर की बात करें तो शहीन शाह अफरीदी होंगे एज अ फास्ट बॉलर पाकिस्तान की। ये प्लेइंग 11 कैसी लगी और क्या पाकिस्तान इस प्लेइंग 11 के साथ साउथ अफ्रीका की तरह अब जिम्बाब्वे को भी शिकस्त देने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।